बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम स्टडी कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, और इसमें हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इससे पहले हम एडिशन रिएक्शंस को स्टडी कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में भी फर्दर डिफरेंट एग्जांपल्स या कैटेगरीज हैं, जिसमें कैटेगरी नंबर 1 जो है वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहलाती है। इसमें हम एल्कीन में ऑक्सीजन को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड विच इज़ यूज एज ए कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी वो होगी एपॉक्साइड। इस रिएक्शन को हम एपॉक्साइड फॉर्मेशन के तौर पर भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ आपके पास जो स्ट्रक्चर गिवन है वो है ईथीन, इसका कॉमन नेम है ईथिलीन। यहाँ हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, ये 1/2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, O2 है, इसका हमने हाफ लेना है, यानी 1 ऑक्सीजन एटम। इन दी प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है वो इन दोनों कार्बन्स के साथ आकर अटैच्ड हो जाएगा और एक रिंग बन जाएगा। इस तरीके से ये ऑक्सीजन दोनों कार्बन्स के साथ अटैच्ड है और ये रिंग बन गया, यहाँ से डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया, और इस प्रोडक्ट का नाम है इथिलीन ऑक्साइड या इथिलीन एपॉक्साइड। इसी तरह ये रिएक्शन हम प्रोपीन के लिए भी स्टडी कर सकते हैं। दिस इज़ 1 प्रोपीन, 1 फॉर दी पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हम उसी तरह 1 ऑक्सीजन एटम ऐड करेंगे, 1/2 O2 यानी मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, इसका हाफ लेंगे 1/2 इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सेम मैकेनिज्म, यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है वो इन दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन्स के साथ यहाँ इस तरह से रिंग फॉर्म में अटैच हो जाएगा, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे प्रोपिलीन ऑक्साइड। जैसे ये इथिलीन एपॉक्साइड था, इसी तरह ये प्रोपिलीन एपॉक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन को हम बेयर्स टेस्ट के नाम से भी स्टडी करते हैं। इसमें एल्कीन्स और KMnO4 जो कि एल्केलाइन और डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, आपस में रिएक्ट करते हैं और इथिलीन ग्लाइकोल बनता है, या सिंपली ग्लाइकोल की प्रोडक्ट जो है वो बनती है। इसमें पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाता है, और ये टेस्ट हम यूज़ करते हैं अनसेचुरेशन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। जैसे ब्रोमीन वाटर इनर्ट सॉल्वेंट में यूज़ किया जाता है अनसेचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए, इसी तरह ये KMnO4 भी एल्केलाइन और डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ किया जाता है अनसेचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ हमारे पास इथीन है, 3 मोल्स इसके यूज़ होंगे, प्लस पोटेशियम पर मैगनेट KMnO4 2 मोल्स डाइल्यूटेड फॉर्म में है, 4 मोल्स वाटर और एल्केलाइन फॉर्म में है इन कोल्ड स्टेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों जो डबली बॉन्डेड कार्बन है वहाँ पर दोनों पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा, और ये तीनों मॉलिक्यूल्स के साथ इसी तरह होगा। इस प्रोडक्ट को हम नाम देंगे इथिलीन ग्लाइकोल, और सिंपली ग्लाइकोल, और बाय प्रोडक्ट्स हमारे पास होंगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल्स, मैंगनीज डाइऑक्साइड 2 मोल्स। इथिलीन ग्लाइकोल का बनना ये इस बात की कन्फर्मेशन है कि हमारे पास जो ओरिजिनल कंपाउंड है उसमें अनसेचुरेशन जो है वो प्रेजेंट है।